अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ जफर खान। तो मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो दोस्तों, आज हमने बनाना है मीठा, और मीठे में बनाना है हमने पास्ता वरमसली। बहुत ही मज़ेदार सेवियाँ बनेंगी। तो ये ली है हमने 170 ग्राम का जो छोटा पैकेट होता है वो आपने लेना है। उसके बाद हमने शामिल किया है जस्ट थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। उससे ये होगा कि आप इसको जब करेंगे हल्की सी फ्राई, और ना कि ये आपकी जलेंगी बल्कि टेंडर और सॉफ्ट बराबर आएंगी। तो करना बहुत भी ज़्यादा नहीं, आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए आपने करना है। तो दोस्तों, आपकी ने मेरी इससे पहले जितनी भी रेसिपी पे आपने सब ने कंट्रीब्यूट किया, आपका बहुत बहुत देखने का शुक्रिया। मुझे मेरी तवक्को से ज़्यादा आपने कंट्रीब्यूट किया है, तो मुझे आपका खलूस बहुत ही अच्छा लगा। तो आपने भी फीडबैक ज़रूर देना है। अगर फिर भी आपसे कोई चीज़ अगर स्किप हो जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सेवियाँ हमारी हो गई थी तैयार। तो अब हमने इसमें शामिल किया है 1 किलो दूध या 1 लीटर मिल्क। पंजाबी में सीधी सी बात है कि 1 किलो ही कहते हैं, तो 1 किलो दूध ही हमने शामिल कर दिया। तो उसके बाद हमने इसमें शामिल किया है 3 खाने वाले चम्मच जो होते हैं टेबल स्पून, वो हमने शामिल किए हैं क्रीम के। अगर ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। उसके बाद हमने इसमें शामिल किया है कोकोनट और बादाम गिरी काट कर। अगर वो भी आप अगर इसमें मज़ीद कुछ एडिशनल शामिल करना चाहते हैं, जैसे किशमिश, और वो आपकी आप चॉइस पे डिपेंड है। तो 10 मिनट के लिए आपने इसको रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। उससे ये होगा कि आपकी सेवियाँ पूरी तरह से गल जाएंगी या पूरी तरह से कुक हो जाएंगी। तो करना क्या है, फिर उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है मज़ीद चीनी को शामिल करना है। पहले चीनी को नहीं शामिल करना कि सेवियाँ आपकी इतनी जल्दी नहीं तैयार होंगी। 200 ग्राम हमने इसमें या चीनी शामिल की है, या 1 कप भी शामिल कर सकते हैं। तो शामिल करने के बाद अगर आप उसके बाद हमने इसको पकाना है 5 मिनट, ना कि बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, तैयार हो गई हमारी मज़ेदार सी ये शीर खोरमा। तो एंजॉय करें, आप भी ट्राई करना ज़रूर और फीडबैक भी देना। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।